गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स और इसमें हम अपना फर्स्ट लेसन लार्ज नंबर इसमें हम कर रहे हैं ठीक है तो इसमें हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स लार्ज नंबर हमने किया था ठीक है और लास्ट वीडियो में हमने इसमें सक्सेसर uh, अनप्रड्यूसर इसमें हमने किया था तो इसी पेज पे आपका पेज नंबर टेन में हम आज करेंगे स्किप काउंटिंग ऑन लार्ज नंबर स्किप काउंटिंग जैसे पता है आपको कि एक नंबर सीरीज़ आपको मिली होती है और फिर आपको उस पैटर्न मिला होता है और आपने उसके अकॉर्डिंग नंबर स्किप करने होते हैं नंबर छोड़ने होते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिला है आपको क्या मिला है यहाँ पे देखेंगे कि आपको नंबर मिला है और एक साथ में नीचे लिखा है इन लैक्स यहाँ पे इन लैक्स लिखा है फिर टेन थाउजेंड टेन मिलियंस बिलियंस इन करोड़ तो आपको उस पोजीशन पे पे क्या करना है आगे के पांच नंबर आपने लिखने हैं ठीक है थीके? अब आप कैसे समझेंगे देखेंगे तो अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ समझते रहेंगे लेसन नंबर वन है आपका लार्ज नंबर और देखिए क्या है आपका क्वेश्चन स्किप काउंटिंग एज पर इंडिकेटेड इंस्ट्रक्शन राइट द नेक्स्ट फाइव न्यूमरल्स अब आपको जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पे देखेंगे कि इसी तरीके से आपने करना है तो कैसे करेंगे आगे के पाँच नंबर आपने लिखने हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे क्या है नंबर आपको ये मिला है वन फोर ज़ीरो फाइव सेवन एट टू नाइन इन लैक्स ब्लैक की पोजिशन पर आपने आगे बढ़ना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए नेमिंग कैसे करते हैं आपको पता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन से हम करते हैं तो नाइन यहाँ पे क्या होगा वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक एंड आपका क्या हो गया टेन लैक तो लैक पे आपने यानी कि फोर्टी पे आपने क्या करना है आगे नंबर बढ़ना है ठीक है बाकी आपके नंबर सेम रहेंगे तो फोर्टी के बाद क्या आता है आपका फोर्टी वन हुआ यहाँ पे ठीक है फोर्टी वन हुआ बाकी नंबर सेम रहेंगे वन फोर वन फाइव सेवन एट टू नाइन फिर फोर्टी वन के बाद क्या होता है आपका फोर्टी टू फिर फोर्टी थ्री फोर्टी फोर एंड फोर्टी फाइव और बाकी जो आगे पीछे के नंबर है वो बिल्कुल सेम रहेंगे क्योंकि हमें सिर्फ चेंज करना है इन लैग्स पे जो लैग वाली पोजीशन है उसी को हमने क्या करना है आगे के पांच नंबर बढ़ते हुए चलना है ठीक है तो देखेंगे इसे तो यहाँ पे देखिए हम दूसरा क्वेश्चन इसका ले लेंगे क्या है आपके पास सिक्सटी फोर्टी थ्री सेवन फोर एट इसमें भी हमें लैक्स में आगे के पांच नंबर हमें लेने हैं तो देखिए ये आपका वंस हो गया एट फिर टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक एंड टेन लैक तो ये आपका सिक्सटी लैक हो गया ना सिक्सटी पे हमें लैक में हमको चेंज करना है तो सिक्सटी के बाद हम क्या करेंगे सिक्सटी वन हुआ बाकी का आगे नंबर वही हम लिखेंगे फोर थ्री सेवन फोर एट फिर सिक्सटी वन के बाद सिक्सटी टू बाकी नंबर सेम रहेगा आपका ठीक है फिर सिक्सटी टू फिर सिक्सटी थ्री बाकी नंबर आपका सेम रहेगा इसके बाद सिक्सटी फोर बाकी नंबर सेम रहेगा फिर आपका सिक्सटी फाइव और आगे का नंबर बिल्कुल आपका सेम रहेगा तो आपने ध्यान रखना है कि जो आपको पूछा है ना जहाँ पे इन मिलियंस दिखा रहेगा या थाउजेंड है या हंड्रेड है तो उसी प्लेस पे उसी पोजीशन पे आपने आगे क्या करना है नंबर आपने बढ़ाना है उससे फाइव नंबर्स आपने आगे के लिखने हैं बाकी उसके आगे पीछे जो हंड्रेड में पोजिशन है वंस है ठीक है वो बिल्कुल आपके सेम एज इज़ आपकी रहेगी अब देखिए जैसे नाइन वाला है यहाँ पे देखिए क्या मिला है आपको एट फाइव टू फाइव सेवन नाइन सिक्स एट अब यहाँ पे देखिए इन लैक्स तो ये तो आपका इंडियन सिस्टम आ गया ठीक है अब आपका मिलियंस है तो दैट मीन्स आपका ये क्या नंबर क्या है आपका इंटरनेशनल सिस्टम हुआ तो इसकी कैसे हम रीड करते हैं इसको तो ये आपका वंस हो गया ठीक है टेन्स हंड्रेड फिर आपका थाउजेंड फिर आपका टेन थाउजेंड अब टेन थाउजेंड के बाद आपका क्या आता है हंड्रेड थाउजेंड ठीक है अब हंड्रेड थाउजेंड के बाद क्या आता है आपका मिलियन और फिर आपका क्या आता है मिलियन एंड टेन मिलियन ठीक है तो ये आपका एटी फाइव क्या है आपका कहाँ uh, किस में है ये मिलियंस में है तो सिर्फ इसी पोजिशन में हमने चेंज uh, करना है आगे हम बढ़ेंगे और बाकी जो नंबर है हमारा वो बिल्कुल हमारा सेम रहेगा एटी फाइव के बाद आगे हम बढ़ेंगे एटी सिक्स बाकी नंबर सेम एज़ इट इज़ रहेगा फिर एटी सेवन बाकी नंबर पूरा सेम रहेगा फिर एटी एट बाकी नंबर सेम रहेगा आपका फिर एटी नाइन बाकी नंबर सेम रहेगा पीछे का फिर एटी नाइन के बाद आपका क्या हो गया नाइन्टी और बाकी का जो नंबर है वो बिल्कुल सेम रहेगा ठीक है तो आपने ध्यान देना है कि आपको एक बात आपने ये भी ध्यान देनी है कि इंडियन सिस्टम है या आपका इंटरनेशनल सिस्टम है और जिस पोजिशन में पूछा जाएगा उसी के नंबर को आप आगे बढ़ाएंगे ठीक है पाँच नंबर और बाकी जो नंबर्स रहेंगे पीछे के पोजीशन वो बिल्कुल आपके सेम एज इट इज़ आपकी रहेगी ठीक है अब जैसे यहाँ पे करोर में पूछा है तो आप करोड़ में ही चेंज करेंगे ठीक है और बाकी नंबर पीछे के नंबर पूरे सेम रहेंगे और फाइव नंबर तक आपने लिखना है तो ये क्वेश्चन आपने क्या करने हैं प्रैक्टिस दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके ठीक है क्वेश्चन नंबर इसमें हमने वन एंड नाइन कर लिया है और बाकी क्वेश्चन आप क्या करेंगे पेज नंबर टेन में प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डन है आपके लिए बुक में टू हम कर चुके हैं और नाइन भी हमने कर लिया है तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और टेन क्वेश्चन आपने क्या करना है प्रैक्टिस इट की अच्छे से करेंगे ठीक है ध्यान से करना है इजी है और ध्यान रखना है कि जो नंबर है आपको मिला वो इंटरनेशनल सिस्टम है या इंडियन सिस्टम है ठीक है इस बात का भी आपने ध्यान रखना है तो अपनी कॉपी को अच्छे से मेनटेन रखेंगे जो काम करवाया जाता है वो उसी दिन पूरा करने की कोशिश करें और अब मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें ठीक है तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में डेली आपने प्रैक्टिस करनी है सो थैंक यू क्लास